वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रश्मि। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट किया गया। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी का भगवान कृष्ण जी कल्याण करे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोग के लिए कह रही हूँ। मैं बहुत कम वॉइस ओवर करूंगी इसमें और ताकि आप सभी को दर्शन हो भगवान जी के, कान्हा जी के। तो गाइस, ये वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिएगा सिर्फ भगवान जी के लिए। गाइस, अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये है मेरा क्वार्टर ऊपर वाला। अब हम लोग पहुंचे हैं गोकुल गोधाम मंदिर। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहां से ये काफी ज्यादा पास में है। मैं वॉइस ओवर बहुत ही कम करूंगी ताकि आप सभी लोगों को भगवान जी के आवाज जो भजन होते हैं वो सब अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो भजन को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा वरना आप लोगों को क्लियर नहीं रहेगा। तो गाइज, आप लोग देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है ये और भीड़ बहुत थी। ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो हम सभी साथ में ही गए थे, उनकी फैमिली और हम दोनों लोग घूमने यहाँ पे गोकुल गोधाम कृष्ण जन्माष्टमी देखने। मैं चाहती हूँ आप लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस वीडियो को देखें। और ये मेरा पंजाब में पहली बार था जन्माष्टमी सेलिब्रेशन और मैं मायके में बहुत ही ज़्यादा जन्माष्टमी देखने जाती थी। हमारे वहाँ तो झांकियाँ निकलती थी तो रात को 12 एक बजे तक आराम से हम लोग घर आते थे मेरी दादी के साथ और बहुत ही इंजॉय करते थे। खैर, इस बार भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम लोग 3 मंदिर गए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग और सभी मंदिर के दर्शन करिएगा। ये गोकुल गोधाम है और भीड़ इतनी थी जैसे लगता पूरा पंजाब ही आके यहीं पर है। तो बहुत ही लंबी लंबी लाइन बनी हुई थी इस जगह पे, मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सो गाइस, अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम लोग। सो गाइस, लाइन आप लोग देखिएगा इतनी ज्यादा लाइन लंबी लगी हुई थी और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पुलिस लोग वगैरह होते नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करे और सभी लोग लाइन से जाए आए। अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं था बट हम लोगों ने फोटोज ली, वीडियो भी बनाया। यार पता है अब जन्माष्टमी के दिन कौन कान्हा जी की वीडियो नहीं बनाएगा, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि अलाउ नहीं। अभी आप लोग भी देखिएगा आगे, तो मैंने तो खींच ही ली थी ताकि आप सभी को दिखाऊं और कान्हा जी के दर्शन कराऊं। सो गाइज, ये पूरी मंदिर की वो थी डेकोरेशन, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेती हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हो जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जॉब करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ना कि सभी लोग मिलते जा रहे थे। मैं कह रही थी ना कि इतनी भीड़ थी, लग रहा ही कि पूरा पंजाब ही आ गया। तो हम लोग को ऐसे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मिले। अब हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और अंदर की डेकोरेशन ना ज़्यादातर तो मटकियों से थी, ऊपर ये सब छोटी छोटी मटकियाँ लगी हुई हैं और फ्लावर्स थे बहुत सारे। इस जगह पर भगवान कृष्ण का झूला लगा हुआ था तो बहुत ही भीड़ थी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं झुला पाई। सभी लोग थोड़ा थोड़ा झुला झुला के फिर आगे बढ़ जा रहे थे। ये मोरपंख से पूरा सजाया गया था और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी इनको झूला झुला रहे थे। फिर उस साइड से एंट्री थी और इस साइड से हम लोगों को बाहर जाना होता था, तो हम लोग फिर बाहर निकल आए। ये बाहर निकलने का जीना था और यहाँ पर जहाँ बहुत सारी भीड़ दिख रही ना वहाँ पर कीर्तन हो रहा था, तो बाहर से भी कुछ लोग आए थे मुझे लग रहा है गाना गाने के लिए। बहुत ही अच्छा भजन गा रहे थे, अभी आप लोग पूरा पूरा उसे सुनिएगा। वहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और मैंने सोचा आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। उसके बाद हम लोग गए थे कीर्तन में, ये लंबी लाइन देखी, यहाँ पे हम लोग फोटो थोड़ा खिंचाए थे तो कितनी लंबी लाइन और इतना सुंदर डेकोरेशन था कि मैं क्या ही कहूँ। और अब हम लोग गए जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था। ये देखिए बहुत बड़ा सा यहाँ प्रोजेक्टर टाइप का था तो टीवी पे भी शो कर रहा था और सामने गा रहे थे सभी। Thank you.
बोलना, वो हो जो सच में सरकार को अपना मानते हैं। पर गौशाला है और बहुत सारी गायें हैं, गायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सभी उसे ना रोटी वगैरह खिलाते हैं और कुछ भी खिलाना अलाउ नहीं है, जैसे कि ब्रेड या बंद या पैकेट की चीज़ें। तो गाइस इनके लिए भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था है यहाँ पे। फिर हम लोग ये वापस की तरफ निकल रहे थे और ये है रास्ता बाहर निकलने का, और रास्ते में हमें मिला प्रसाद, प्रसाद में केला, और बाहर बहुत सारी दुकानें भी थी खाने पीने की हर चीज़ की। तो हम लोगों ने भेलपूरी ली थी, बाकी टिक्की वगैरह थी। तो मेला में जैसे नहीं होता है वैसे यहाँ पे, तो देखिए कितनी सारी कार खड़ी, इतनी भीड़ थी। सिर्फ इस मंदिर में नहीं, हर मंदिर में भीड़ थी, बहुत जगह भीड़ थी। तो गाइस सारे श्रद्धालु भक्तजन अपना आए थे भगवान के पास अपनी आस्था से। और ये अब हम लोग पहुँचे थे दूसरी मंदिर। मैंने रास्ते का नहीं दिखाया था, मैंने सोचा केवल मंदिर का आपको दिखाती हूँ। ये हमारे राधा कृष्ण जी। मैं ना कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे फेवरेट हैं कृष्ण भगवान जी। आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे लगते होंगे लड्डू गोपाल। तो मैंने सोचा ना एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, भले ही वीडियो बड़ी हो जाए पर सब कुछ दिखाऊँ, हर चीज़ के दर्शन कराऊँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। ये लाइन लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए, और यहाँ के प्रसाद में था आइसक्रीम, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, केक एंड फ्रूट्स। तो आप लोगों के यहाँ प्रसाद में क्या क्या मिल रहा था कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे भी गौशाला थी और हम लोगों को जो प्रसाद में लड्डू मिले थे वही हम लोगों ने गायों को खिलाया, और बहुत ही साफ सुथरा गौशाला थी। सो गाइस अब बज चुके हैं रात के 11 और अब हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं। अभी हम लोग फिर जाएंगे रात को 12 बजे अपनी कॉलोनी में, जहाँ पे मतलब कृष्ण जी का जन्म कराएंगे अपनी कॉलोनी की मंदिर पे। तो चलिए आप लोग देखिए आगे फिर। सो गाइस अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और अब हम लोग चल रहे हैं कृष्ण जी का जन्म कराने। और ये भी है मेरी कॉलोनी की फ्रेंड और इनके हस्बैंड है इंस्पेक्टर, जो अभी आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे थे। और कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग में आके? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दी। आज घूम के हम लोग एंजॉय किए सारे मंदिर में जाके, बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कॉलोनी से बाहर। तो ये रही हमारी कॉलोनी का गेट और अब ये है मंदिर। आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी देख ली, आई होप सो पूरी वीडियो देखी होगी, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा अंधेरा है तो हम लोग को माइंड मत करिएगा, इतने काले नहीं हम लोग अंधेरे की वजह से काले लग रहे हैं बस। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।